बाय हुक और बाय क्रुक। हुक का मतलब होता है जैसे कोई चीज इस प्रकार से जब टेढ़ी हो तो उसे हुक कहते हैं, ठीक। और क्रुक का मतलब होता है बदमाश, ठीक। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब हो जाएगा बाय वन मीन्स और अनदर, किसी भी प्रकार से कोई काम करने की इच्छा रखना, मतलब साम दाम दंड भेद कोई भी काम, किसी भी प्रकार से मुझे ये काम करना ही करना है। जब आप इस तरह का सोच लेते हैं तो आप उस वाक्यों में बाय हुक और बाय क्रुक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। मैं यह काम किसी भी प्रकार से खत्म कर दूंगा, इसका हिंदी मतलब ये हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक। आगे की तरफ देख लीजिए, बेड ऑफ रोजेस, आपके बिस्तर, बेड का मतलब बिस्तर, बिस्तर पे फूल बिछे हुए हैं तो आपके लिए आरामदायक स्थिति है, आपको मजा आएगा सोने में, आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही लगेगा, ठीक। तो इसका इंग्लिश मतलब हो जाएगा, बेड ऑफ रोजेस का मतलब इंग्लिश मतलब हो जाएगा कंफर्टेबल सिचुएशन, आरामदायक स्थिति, ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी कोई आसान, जिंदगी जीना, जिंदगी कोई आसान नहीं है, ठीक है, जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, अ ड्राइवर्स वर्क इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, एक ड्राइवर का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है, ठीक। बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब हो जाएगा कांटों का बिस्तर, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, आपके बिस्तर पर कांटे बिछा दिए गए, ठीक है, तो आपके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन है कि नहीं, बिल्कुल बेकार स्थिति है आपके लिए, ठीक। कांटों, कोई बिस्तर पर कांटे थोड़ी पसंद करेगा, तो उसके लिए अनकंफर्टेबल स्थिति है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम सॉरी आई चेंज जॉब्स, माई न्यू वन टर्न आउट टू बी अ बेड ऑफ थॉर्न्स, मुझे खेद है कि मैंने अपनी जॉब चेंज कर दी, मुझे खेद है कि मैंने अपनी जॉब बदल दी, मेरी न्यू जॉब, मतलब वो कहने समरी बता रहा हूँ, ठीक है, जो उसे लगता है कि उसकी न्यू जॉब कांटों के बिस्तर की तरह है, उसे ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक। अब है बैग ऑफ बोन्स, बैग ऑफ बोन्स, बैग मतलब थैला और बोन्स मतलब हड्डियां, थैले में हड्डियां, ठीक है, तो थैले में तो हड्डियां होती नहीं है, किसी बैग में तो हड्डियां होती नहीं है, तो थैला क्या है, शरीर, थैले से यहां मतलब यह है कि शरीर, शरीर में हड्डियां, तो शरीर में हड्डियां किसके दिखेंगी, दुबले पतले इंसान के दिखेंगी ना, जो बिल्कुल दुबला पतला होगा, बिल्कुल कमजोर सा होगा, उसके दिखेंगी, उसके लिए उसके हड्डियां दिखेंगी, ठीक है। तो बैग ऑफ बोन्स का मतलब हो जाएगा अ थिन एंड लीन पर्सन, और एनिमल, एनिमल में भी दिख सकती हैं, तो एनिमल, ठीक है, दुबला पतला इंसान या कमजोर इंसान, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज अ बैग ऑफ बोन्स, वह हड्डियों का थैला है, वह बहुत कमजोर है, ठीक, इसका हिंदी मतलब ये हो जाएगा। अब सेकंड एग्जाम्पल है, हिज बॉडी इज अ बैग ऑफ बोन्स, उसका शरीर हड्डियों का थैला है, उसका शरीर बहुत कमजोर है, इसका हिंदी मतलब ये हो जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल है, आई हैव बीन अ बैग ऑफ बोन्स सिंस यू लेफ्ट मी, जब से तुमने मुझे छोड़ा है तब से मेरा शरीर हड्डियों का थैला हो गया है, जब से तुमने मुझे छोड़ा है तब से मेरा शरीर कमजोर हो गया है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। बीट द एयर, बीट द एयर, बीट का मतलब होता है पीटना, ठीक, और एयर मतलब हवा, हवा को पीटना, तो हवा को पीटना बेकार की कोशिश करना है कि नहीं, बेकार कार्य कर रहे हैं, हवा को पीट रहे हैं, कोई काम धंधा आया नहीं तो हवा को पीटे चले जा रहे हैं, ठीक। तो डू यूजलेस एफर्ट, इसका इंग्लिश मतलब ये हो जाएगा, हिंदी मतलब हो जाएगा बेकार की कोशिश करना। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल यू आर डूइंग इज टू बीट द एयर ट्राई टू बी मोर प्रैक्टिकल, आप जो कर रहे हैं वह हवा को पीटने के जैसा है, मतलब मैं अभी अर्थ समझा रहा हूं, आप जो कर रहे हैं वह हवा को पीटने के जैसा है, अधिक व्यवहारिक होने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसका इसका जो मतलब निकल रहा है सही मतलब, उसको मैं बता रहा हूं, आप जो कर रहे हैं वह बेकार की कोशिश है, अधिक व्यवहारिक होने का
प्रयास करें, इसका पूरा मतलब ये हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।